हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डू द स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले फिर से एयरफोर्स ग्रुप वाई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जीके जीएस पार्ट टू। ठीक है, यानी का मतलब पार्ट वन हमने किया था जो कि 2018 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में जितने भी एयरफोर्स ग्रुप वाई में जीके जीएस आए हुए हैं, इवन इंग्लिश भी आए हुए हैं और भी सब्जेक्ट्स आए हुए, तो हम अलग अलग मतलब वीडियो बनाएंगे, अलग अलग पार्ट में देखेंगे। अब ये सीरीज जो है पार्ट वन पढ़ा था हमने जीके जीएस, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे 25-25 क्वेश्चन करके, ये पार्ट टू है। ठीक है, तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देते हैं। और आपको पता है कि एयरफोर्स का एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होता था, एक दिन में 3 शिफ्ट होते थे, तो तीनों शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे मैंने एक वीडियो बना दिया। फिर ये दूसरी शिफ्ट में जो हुआ था, तीनों शिफ्ट मतलब दूसरे दिन में जो 3 शिफ्ट हुए थे, करते करते 24-25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते थे एक दिन में। ठीक है, आठ 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 करके इस तरीके से। तो मैंने एक ही वीडियो में एक एक मतलब एक एक दिन के क्वेश्चन को मैं बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट टू है ये। इसके पहले वाला आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है एयरफोर्स प्रीवियस ईयर करके, उसमें मैं वीडियोस को ऐड करते जाऊंगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करो, आपके लिए गुड न्यूज है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक लॉन्च किया गया है। अभी देखो यहाँ पे गाइस, इसमें फायदा क्या है, देखो ये 35 प्रैक्टिस सेट्स है, इवन इसमें 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जनरल इंग्लिश, इवन मैथ, रगा का सेक्शन भी मिल जाएगा, मैथ रगा में होता है ना, मैथ रीजनिंग एंड जीके जीएस करंट अफेयर, वो सभी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो एक चीज की प्लस पॉइंट क्या है, 35 प्रैक्टिस सेट तो मिलेंगे ठीक है, जिसको आप करोगे ठीक है आपके लिए, इसके अलावा 4 साल के जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2017 से लेकर 20 तक में जितने भी एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं इसमें, और प्लस में 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। ऐसे बुक को खरीदने के बाद इसमें दी गई है गाइडलाइन की किस तरीके से ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा आपको इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, तो 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, 4 ईयर के लगभग 4 साल के पिछले क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, 35 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एक ही बुक के अंदर, बेस्ट है मेरे ख्याल से। और एक्स ग्रुप के लिए गाइस ये है कि इसमें 20 सॉल्व प्रैक्टिस सेट है ठीक है, तो 20 प्रैक्टिस सेट है ये चीज है। और एयरमैन ग्रुप एक्स के लिए जो कि इंग्लिश गणित और भौतिकी, ये तीनों चीजें इसमें समावेश है, और प्लस में इसमें भी क्या है, 2018 से लेकर 20 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्या किया गया, सॉल्व कर रखा गया है। साथ में एक्स ग्रुप के लिए भी 3 साल मतलब 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिल जाता है सिर्फ इस बुक को खरीदने पर ही ठीक है, तो ऐसा ऑफर कहीं और किसी अदर बुक में आपको मतलब नहीं मिलेगा, ना के बराबर है कि जो कि आपको ऑफलाइन सेट के साथ साथ फ्री में एक भी ऑनलाइन सेट नहीं देते, जबकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपको दे रहा है। तो कहीं अगर आप इस बुक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो किस तरीके कैसे ऑनलाइन परचेज करना है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके एक बार चेक कर लेना ठीक है ना। चलो हम बात कर लेते हैं पार्ट टू में, जो जो हमारे मतलब दूसरे दिन में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे एयरफोर्स में, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आया था 2018 में, लेकिन कहीं हम बात कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में कौन है उसको, आपको उससे मतलब है, 18 बजे से मतलब नहीं है, बस एक आइडिया मिल गया कि मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो वर्तमान में है पेमा खांडू ठीक है, इनका नाम है पेमा खांडू। अगर पूछा जाए मिस वर्ल्ड 2018 कौन थी, तो मैंने लिस्ट दे दिया गाइज आपको, 2018 में थी ये थी वैनेसा फोंसेका के नाम था, तो मैं चूंकि मैक्सिको की थी, अभी 2019 का पूछेगा बिकॉज 20 का हुआ नहीं था ठीक है ना, 20 का इस बार हो सकता है कि हो, तो टोनी एन सिंह करके ये सिंह नाम सोच के ये मत सोचना कि ये इंडिया की है ठीक है ना, टोनी एन सिंह जो उनका नाम है जमैका की नहीं है ठीक है ना, जमैका की है ये नाम याद रखना 19 वाला, मे बी अगर में पूछा जाए तो 19 का ही पूछा जाएगा ठीक है ना। चलो बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है ये चीज बता दो, बल्ब का फिलामेंट हमेशा जानते हो टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन का ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर मैं आपको सारी पीडीएफ दे देता हूँ, एक दो दिन डिले होंगे बट मैं आपको दे दूंगा ठीक है ना। दांडी किससे संबंधित है, तो दांडी मार्च जो थी गाइस वो नमक से रिलेटेड थी ठीक है, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, तो ये चीज आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे से। चलो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पूछा गया था उस टाइम, तो हम बात कर लेते हैं अभी 19 वाले का, तो 18 में अमिताभ बोस को मिला था ठीक है, जब एग्जाम पूछा गया था तब, बट 19 का इस बार पूछा जाएगा, 20 में मिला नहीं है ठीक है, तो 19 का किसको है, अकिंथम करके नाम था इनका जो है, इनको मिला था अकिंथम इनका नाम था, ये नाम याद रख लेना बड़ा सा नाम है, इसकी पीडीएफ ले लेना पढ़ लेना बढ़िया से। बाकी 18 का अब नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो 19 का पूछेगा बिकॉज 20 का भी मिला नहीं है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया है ठीक है, सबसे बड़ा पूछे तो एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है। चलो अगला हमारे पास है संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया। देखो तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं जो संविधान से ली गई है, पहला क्या नीति निर्देशक तत्व पूछेगा तो ये आयरलैंड से, दूसरा पूछ देता है कि मतलब ये
इमरजेंसी के रूप जो लगती है ना हमारे कंट्री में, इमरजेंसी मान लो किसी कंट्री में लग जाती है, तो जैसे हमारे कंट्री में भी लगी थी इमरजेंसी, आपातकाल घोषित किया जाता है, वो किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। अब एक चीज पूछा जाता है एग्जाम में कि देखो हम लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये चीजें कहाँ से लेते हैं, तो मौलिक अधिकार पूछेगा तो आपको बताएगा कौन, ये यूएसए, ठीक है ना, और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो आपको रसिया हो जाएगा, ठीक है ना, अधिकार यूएसए और कर्तव्य रसिया, ठीक है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाने कौन सा जो है जैसा कि जगह जाना जाता है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये तो पता होगा आपको, ठीक है। एक चीज समझ लेना गाइस, भारत के देखो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, अभी भी वही है, उस टाइम भी वही थे, ठीक है, वेंकैया नायडू। अभी गाइस यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता था, 7 नंबर क्वेश्चन में मैंने जो जो बोला आपकी नहीं समझ में आया, तो देखो कर्तव्य जब पूछेगा ना, मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य, यूएसए, ठीक है, ये सॉरी ये हो गया रसिया, ठीक है, और जब भी बोलेगा कि मौलिक अधिकार जब पूछेगा तो ये हो जाएगा यूएसए। इमरजेंसी के बारे में पूछ दे तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो, और न्यायालय के बारे में, जज के बारे में, ये सभी यूएसए से लिया गया है। बाकी इनका कंप्लीट लिस्ट है, मैंने बहुत पहले पढ़ाया भी था, अदरवाइज आप परमिशन में दिया हुआ जाके एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुस्मृति का संबंध किससे। देखो इसका एग्जैक्टली ऑप्शन मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसका आंसर खुद से बनाया, मनुस्मृति का एक्चुअली जो आंसर होता है, तो मनुस्मृति क्या है, धर्मस्मृति ग्रंथ टाइप का है, ठीक है ना, तो और ये मानव धर्म से रिलेटेड, मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड है, जिसमें मानवता के बारे में सिर्फ दी गई है। इसका एग्जैक्टली ऑप्शन क्या था बच्चों ने बताया नहीं था उस टाइम में। एसआई यूनिट पूछ रहे पावर का, तो पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट होता है, इस चीज क्लियर होगा। पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, आई होप कि आपको पता होगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। चलो, विटामिन के का क्या नाम है, ये चीज हमने मिशन 1000 को जो कर रहा था, चल रहा था सीरीज, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा मैंने बोला था कि मैं आउट ऑफ सिटी आ गया हूँ, इसकी वजह से मैंने उसको रोक दिया है, तो इसको उसमें मैंने ये चीज पढ़ाया था कि विटामिन के का क्या काम है, तो विटामिन के का काम क्या, ब्लड क्लॉटिंग बनाता है, मतलब जब भी आपकी बॉडी से कहीं कटवट गया, कट का निशान आ गया, तो ब्लड निकलता है, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड मतलब रुकेगा नहीं, वो बहते चल जाएगा, जमेगा नहीं वो ब्लड, ठीक है ना, तो वही विटामिन की वजह से वो ब्लड जो है क्लॉटिंग होता है। चलो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा था गया था कि किस इंसान के, किस व्यक्ति का बनाया हुआ है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, ठीक है ना। पूछे किस स्टेट में, तो गुजरात में। आयरन की मात्रा किसमें होती है, तो आयरन की मात्रा इवन गाइस ऑप्शन के अकॉर्डिंग था हरे पालक में, ठीक है, हरे पालक में ऑप्शन था, और कुछ कुछ होगा एग्जैक्टली ऑप्शन याद नहीं है, बट उस टाइम भी बच्चों ने बताया था कि हरे पालक में। मैंने सारी वीडियोस को प्रीवियस ईयर की वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो सारी मैंने फिर से देख रहा हूँ, ठीक है, बस आपके लिए कि आपकी जो आपको दोबारा से देखना ना पड़े, मतलब बहुत सारी वीडियोस, एक ही दो वीडियो, मतलब जैसे 3 शिफ्ट के वीडियो देखोगे तब जाके 25 क्वेश्चन आपको पता चलेंगे, और मैंने एक ही वीडियो में ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को मतलब बना दिया, तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लग रही होगी, और आप उसको लाइक जरूर करना। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु कौन सा था, तो भाई मनुष्य ने लोहे को बिल्कुल प्रथम बार प्रयोग नहीं किया था, कुछ लोग लोहे बोलते हैं लेकिन लोहा नहीं होगा, ये कॉपर होगा, ठीक है ना। चलो, जिसको हिंदी में तांबा बोलते हैं, और लोहा का आविष्कार पूछा जाएगा कि कब मिला था, तो लोहा के आविष्कार जो हुआ था ये बोलते हैं, जब उत्तर वैदिक काल के टाइम पे इसको मिला था, ठीक है ना। चलो, ये क्या बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उस टाइम का पूछा होगा, बट हम लोग अभी के बारे में बात कर ले, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, ठीक है। चलो, रिले, ये 3 शिफ्ट का मिला के क्वेश्चन है, बता दो फिर से एक बार, 25 क्वेश्चन। रिले तूफान कहाँ आया था, तो रिले जो है अमेरिका में आया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में आया था, ठीक है ना। चलो, वर्तमान, अभी जरूरी नहीं है कि ये चीज बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, उस टाइम का ये करंट अफेयर था इसलिए पूछा गया था रिले तूफान, ठीक है ना, अभी का जो करंट अफेयर है वो पूछ सकता है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो उस टाइम भी थे सुनील अरोड़ा, आज भी है। बोगीबिल पुल कहाँ पे, तो आसाम में, और ये क्यों पूछा गया था, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है भाई, क्यों पूछा जाता है ये, बिकॉज ये कम्प्लीटली स्टील का बना हुआ है, इसके वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोगीबिल। पिछले क्लास में हमने देखा था कि रायसीना की पहाड़ी पूछा गया था कहाँ है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखना होगा कि भारत में कौन सी महत्वपूर्ण स्थल के बारे में भी पूछता है बोलो, ठीक है ना। नंद वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो नंद वंश की राजधानी थी कहाँ भाई, पाटलिपुत्रा में थी, ठीक है, क्योंकि मगध में ही था ये। देखो 2 शिफ्ट में पूछा गया था, अलग अलग शिफ्ट में, एक में पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, अब बोलना कि एक्स से स्टार्ट है तो ई से क्यों लिखा, भाई इसको ई से ही लिखते हैं, ठीक है ना। चलो, अब दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था एचटीएमएल का फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। करेंसी ऑफ म्यांमार एक शिफ्ट में पूछा गया था, और दूसरे में पूछा गया था करेंसी ऑफ चाइना, ठीक है, करेंसी ऑफ म्यांमार होता है क्या, ठीक है, बार्मिक या फिर बर्मा का भी पूछना, मैं इसका पूरा नाम बार्मिक क्या,
और जब करेंसी ऑफ चाइना रेनमिन भी। तो गाइस आई होप कि आपको आधी क्लास अच्छी लगी होगी और 25 क्लास चीजें मैंने आपको बता दी फिर से। तो इसकी पीडीएफ के लिए अगर चाहते हो मिल जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, थोड़ा सा नीचे कर करके देखना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ में आपको कुछ देर में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी गाइस ये रही आपकी बुक, और इस बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको चेक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।